Hello students, today we will discuss the 8th chapter of your English literature textbook. That's name is A Butterfly Smile, written by Mathangi Subramanian. So before starting the chapter, there's a warm-up given to you. Firstly, we will look at that. Suppose you have a new classmate, what would you do to make him or her feel welcome? What should you not do? Discuss with your classmates. Should you talk to them? Should you talk to them? Should you make fun of them? Should you play a prank on them? Should you share your lunch with them? Should you take them around the school? Or should you play with them in the playground? So, इसमें वार्म अप पे क्या है कि आप क्या करेंगे, आपके अगर सपोज मान लीजिए आपके क्लास में न्यू क्लासमेट आता है, ठीक है, नया लड़का आता है कोई, ठीक है, तो आप उसका कैसे वेलकम करेंगे, ठीक है. अब उसमें उसके लिए कुछ आपको कंडीशंस दिए हैं, क्या आप ये करना चाहेंगे उसके साथ. पहला, शुड यू टॉक टू देम, क्या आप उनसे बात करना चाहेंगे. शुड यू मेक फन ऑफ देम, क्या आप उनका मजाक बनाएंगे. शुड यू प्ले अ प्रैंक ऑन देम, क्या आप उनके साथ प्रैंक करेंगे. प्रैंक करने का मतलब कि आप उनके साथ कोई इस तरीके का मजाक, जैसे सीरियस वाला मजाक करेंगे क्या आप, जैसे सीरियस होकर कोई मजाक करना ताकि सामने वाले को पता ना चल पाए कि आप मजाक कर रहे हैं. शुड यू शेयर योर लंच विद देम, क्या आप उनके साथ लंच अपना शेयर करेंगे. शुड यू टेक देम अराउंड द स्कूल, क्या आप पूरे स्कूल में मतलब सारी चीज़ें दिखाएंगे. शुड यू प्ले विद देम इन द ग्राउंड, प्लेग्राउंड, क्या आप उनके साथ प्लेग्राउंड में खेलना चाहेंगे. तो इसमें से आप क्या करना चाहेंगे, क्या नहीं करना चाहेंगे, इट्स योर ओपिनियन. सो आप अपने क्लास में इसको बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे और उसके साथ मतलब देखेंगे कि किस कंडीशन पे आप क्या करने वाले हैं. सब बच्चे अलग अलग तरीके से सोचेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर. लाइन अप क्लास, लेट्स गो टू द पार्क, सेड द टीचर लैला सैयद. ठीक है, लैला सैयद ने जो टीचर हैं स्कूल की, उन्होंने कहा लाइन अप क्लास, क्लास लाइन अप हो जाइए. लेट्स गो टू द पार्क, पार्क में चलते हैं. ऑल द स्टूडेंट्स हेल्ड हैंड्स, सभी स्टूडेंट्स ने हाथ पकड़ लिए. टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करते हुए. काव्या स्टूड अलोन, काव्या अकेली खड़ी हो गई. एज दे स्टार्टेड वॉकिंग, जैसा उस वे सब स्टार्ट कर दिए चलना, मिस सैयद ने पूछा, डज एनीवन नो दैट अ कैटरपिलर बिकम्स व्हेन इट ग्रोज अप. व्हाट अ कैटरपिलर बिकम्स व्हेन इट ग्रोज अप, क्या कोई जानता है कि कैटरपिलर बड़ा होकर क्या बन जाता है. काव्या वॉज एक्साइटेड, काव्या एक्साइटेड थी. सी न्यू द आंसर, वह आंसर जानती थी. शुड सी से समथिंग, क्या उसे कुछ कहना चाहिए था. काव्या एंड हर फैमिली हैड जस्ट मूव टू बेंगलुरु फ्रॉम हर विलेज, काव्या और उसकी फैमिली अभी बस मतलब अपने उसके गांव से बेंगलुरु आए थे. दे लाइव्ड इन अ हाफ फिनिश्ड हाउस एट द कंस्ट्रक्शन साइट, वे कंस्ट्रक्शन साइट के मतलब कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे बिल्डिंग बनती है, बनती हुई हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे काम होते रहे हों, ठीक है. तो दे लाइव इन अ हाफ फिनिश हाउस, वो आधे फिनिश हुए घर में रहती थी जहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट था. वेयर हर पेरेंट्स वर्क, जहाँ उसके पेरेंट्स काम करते थे. द एयर स्मेल्ड ऑफ स्मोक, पूरी हवा जो है धुएं से भरी हुई होती थी. द लाउड ट्रैफिक मेड इट हार्ड टू स्लीप, वहाँ बहुत ज़्यादा लाउड ट्रैफिक होता था, तेज़ आवाज़ें होती थी जिससे वो वहाँ पर सो पाना मुश्किल होता था. द टॉल बिल्डिंग्स, फास्ट कार्स एंड बिजी पीपल मेड हर फील वेरी वेरी स्मॉल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, तेज़ तेज़ चलने वाली कारें, बिजी रहने वाले लोग, उसे बहुत छोटा 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 बहुत छोटा फील कराते थे. काव्या हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर ए वीक बट सी स्टिल हैड नॉट स्पोकन टू हर क्लासमेट्स. काव्या एक सप्ताह से मतलब सप्ताह भर से स्कूल जा रही थी लेकिन अभी तक उसने किसी भी अपने क्लासमेट से बात नहीं करी. वॉट इफ दे मेड फन ऑफ द वे सी स्पोक और टीज हर बिकॉज सी हैड नेवर बीन टू स्कूल बिफोर. लोग क्या मतलब कह रहे थे कि क्या होगा अगर वो सोचती थी क्या होगा अगर लोग उसका मजाक बनाएंगे, उसके बारे में मजाक बनाएंगे, बात करेंगे और उसे परेशान करेंगे, टीज करेंगे. बिकॉज इस वजह से सी हैड नेवर बीन टू स्कूल बिफोर, क्योंकि उसके पहले वो कभी स्कूल नहीं गई थी. सी टुक अ डीप ब्रीथ एंड रेज्ड हर हैंड, उसने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ उठाया. सी कुड नॉट बी क्वाइट फॉर एवर, अब वो शांत नहीं रह सकती थी हमेशा के लिए. व्हेन कैटरपिलर्स ग्रो अप दे बिकम बटरफ्लाइज, सेड काव्या. काव्या ने कहा जब कैटरपिलर्स बड़े हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, बटरफ्लाइज.
That's right, said Miss Sayed. Miss Sayed ने कहा, that's right, बिल्कुल सही. Caterpillars are caterpillars only for a few weeks. Caterpillars, केवल कुछ सप्ताह तक caterpillars रहते हैं. काव्या ने कहा, they spend most of their time eating leaves. वह मतलब अपना ज़्यादातर समय खाने में, पत्तियों को खाने में बिताते हैं. They must grow very big, said Mary, her classmate. उसकी जो क्लासमेट मैरी थी, they must grow very big. वो कही कि उन्हें बड़ा, बहुत बड़ा हो जाना चाहिए तब तो. दे डू, सेड काव्या. काव्या ने कहा, हाँ वे होते हैं. आफ्टर दे ईट एंड ईट एंड ईट, कैटरपिलर्स वीव कोकून्स अराउंड देमसेल्व्स. ठीक है, आफ्टर दे ईट एंड ईट एंड ईट, वो जब जैसे मतलब जैसे जैसे वो खाते जाते हैं, कैटरपिलर्स वीव क्या करते हैं, कैटरपिलर बुनना स्टार्ट कर देते हैं कोकून्स को अराउंड देमसेल्व, अपने चारों तरफ. ठीक है, मतलब अपने शरीर के चारों तरफ कोकून्स बुनना चालू कर देते हैं. You can find cocoons on the branches of the trees and under leaves. आप cocoons जो है ढूंढ सकते हैं शाखाओं पे, पेड़ों के branches पे के नीचे या पत्तियों के नीचे. Inside the cocoons they grow and change. वो cocoons मतलब वो क्या करते हैं, cocoons के अंदर बड़े होते हैं और बदलते रहते हैं. She went on, और वो जारी रखी बताना. That's correct, Miss Sayed said. Miss Sayed ने कहा, बिल्कुल सही. They stay in the cocoons for a few weeks. वे cocoons में कुछ सप्ताह तक रहते हैं. When they come out, they are butterflies. जब वे बाहर आते हैं तो वे क्या बन जाते हैं, वे butterflies बन जाते हैं. So now look at the picture, students. The complete life structure of caterpillar is given here. How they become, ठीक है, how they become caterpillar and now then and at last how they become a butterfly. Okay, so firstly look at this. Egg is given to there is a egg on the leaf, then after leaves eaten by caterpillar. एक caterpillar ऊपर दिख रहा है ना, एक नीचे साइड में एक दिख रहा होगा. इस एक से caterpillar बना, caterpillar से ये caterpillar ये पत्तियाँ खाने चालू की. देन आफ्टर उसने कोकून बनाया. कोकून बनाने के बाद उसमें वो मतलब उसका ग्रोथ हुआ. ग्रोथ होते होते उसमें से एक बटरफ्लाई कमिंग आउट ऑफ द कोकून, एक बटरफ्लाई बाहर निकल रही है उससे. फिर बटरफ्लाई विद स्टिकी विंग्स उसके साथ चिपकी हुई है, कोकून के साथ चिपकी रहती है कुछ दिन तक. ठीक है, फिर देन आफ्टर अ बटरफ्लाई फ्लाइंग, उसके बाद वहाँ से वो कोकून को छोड़ देती है और फ्लाई कर ले रखती है. क्लियर, ये पिक्चर में उसने पूरा लाइफ स्ट्रक्चर उसको दिखा दिया है. नाउ द चिल्ड्रन वर इन द पार्क. नाउ अब चिल्ड्रन पार्क में थे. इट वॉज़ फुल ऑफ बटरफ्लाइज, वो बटरफ्लाइज से भरा हुआ था. देर वर ब्लू बटरफ्लाइज द कलर ऑफ रिवर्स, येलो बटरफ्लाइज द कलर ऑफ सनलाइट, ऑरेंज बटरफ्लाइज द कलर ऑफ राइप चिकूज, ब्लैक एंड सिल्वर बटरफ्लाइज द कलर ऑफ स्टेरिक स्काई. मतलब इन सारे कलर्स के बटरफ्लाइज थे, डिफरेंट टाइप के. दीज वर द कलर्स काव्या मिस्ड फ्रॉम हर विलेज, ये वे कलर थे जिसे काव्या अपने गाँव से मिस कर रही थी. सी फेल्ट हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और एक्साइटेड हुई. क्यों, क्योंकि उसने अपने गांव में वो सारी इन सारी कलर की बटरफ्लाइज को देखा करती थी. एवरी ईयर बटरफ्लाइज ट्रेवल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर टू कम टू दिस पार्क, हर साल बटरफ्लाइज हज़ारों किलोमीटर तय करती हैं इस पार्क में आने के लिए. दे आर हीयर फॉर फूड, वे सब यहाँ खाने के लिए आती हैं. वार्म वेदर गर्म मौसम एंड अ सेफ प्लेस टू ले एग्स, और एक सेफ प्लेस ढूंढते हुए अपने अंडे को देने के लिए. दिस जर्नी इज कॉल्ड माइग्रेशन, इस जर्नी को क्या कहते हैं, माइग्रेशन. एक्सप्लेन मिस सैयद ने बताया. तो वेल माइग्रेशन क्या होता है, जब भी कोई एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मतलब अपने सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए चीज़ अपने जैसे छोटे एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, या इंसेक्ट्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं. ठीक है, और काफ़ी लंबी दूरी तय करते हैं. तो ऐसे ही चीज़ों को मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस जर्नी को बोलते हैं माइग्रेशन. ठीक है, डोंट दे गेट टायर्ड, क्या वे थकते नहीं हैं, फ्लैपिंग देयर विंग्स फॉर सो लॉन्ग, अपने पंखों को काफ़ी देर तक लंबे समय तक फ्लैप करते हुए फड़फड़ाते हुए. एक स्टूडेंट ने पूछा, इफ़ देयर इज स्ट्रॉन्ग विंड देन दे डोंट हैव टू फ्लैप देयर विंग्स, अगर तेज़ हवाएं चल रही हों तो उन्हें अपने पंखों को फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं होती है. काव्या ने कहा, दे स्प्रेड देयर विंग्स एंड मूव इन द एयर, वे अपने पंखों को फैला लेते हैं और हवा में मूव करने लगते हैं. दे मस्ट बी बम्पी, मैरी विस्पर टू काव्या, उन्हें तब तो बम्पी होना चाहिए. काव्या ने मैरी से
मैरी ने काव्या से फुसफुसाते हुए कहा। काव्या थॉट अबाउट हर बम्पी राइड टू बेंगलुरु। बम्पी मीन्स उछलते उछलते जो इधर उधर होते रहते हैं, जैसे आप बस में बैठे होंगे तो कभी गड्ढे वाली रोड आ जाती है तो उछलते हुए इधर उधर होते जाते हैं ना, तो सेम उसी तरीके से क्या कह रहा है कि दैट मस्ट बी बम्पी, तो उसे तो बम्पी होना चाहिए, मतलब हवाएं उसे जिधर ले जाना चाहिए उधर ले जाएँ, इधर उधर। काव्या थॉट अबाउट हर बम्पी राइड टू बेंगलुरु। वह अपने बेंगलुरु के लिए जो रास्ता था, वो जिस रास्ते से आ रही थी, ठीक है, वो सोचने लगी उस बम्पी राइड के बारे में। स्क्वीज इन बिटवीन ऑल द लगेज फॉर आवर्स एंड आवर्स, वो स्क्वीज हुई पड़ी थी, सिकुड़ी हुई थी इन बिटवीन ऑल द लगेज, सारे सामानों के बीच में, फॉर आवर्स एंड आवर्स, घंटों तक। इज़ दैट हाउ ए बटरफ्लाई फील्ड इन द विंड, क्या ये ऐसा ही था कि बटरफ्लाई हवाओं में उसी तरह फील करती होगी। व्हेन बटरफ्लाई माइग्रेट दे फॉलो रिवर्स, जब बटरफ्लाईज माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के जाते हैं, वो क्या करती है, नदियों को फॉलो करते हैं। टू स्टे हेल्दी रहने के लिए दे स्टॉप अलॉन्ग द रिवर बैंक, वो नदियों के किनारे रुकते हैं। टू सोकअप मिनरल्स को सोकअप करने के लिए, ठीक है, विद देयर फीट, अपने पैरों से, मतलब उनको मिनरल्स की ज़रूरत होती है और पानी से मिनरल्स को सीख तो खींच लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड मड पडलिंग, ठीक है, इसे बोलते हैं मड पडलिंग। सेड मिस सैयद ने कहा मड पडलिंग। सेड मैरी ने कहा मड पडलिंग ये क्या है, दैट सीम फन, ये मतलब कुछ फनी सा दिखता है। मैरी एंड काव्या स्माइल एट ईच अदर, मैरी और काव्या एक दूसरे पे स्माइल करते हुए बोले। इट इज़ काव्या ने कहा हाँ यह है, बट नाउ पडल्स आर हार्ड टू फाइंड, लेकिन अब पडल्स देख पाना बहुत मुश्किल होता है। नाउ लुक एट द पिक्चर्स, सम पिक्चर्स आर गिवन देयर, फॉरेस्ट हैं यहाँ पे काटे जा रहे हैं, ठीक है, नदियों के किनारे गंदगी हो रही है कि मतलब जो नदियों के किनारे से मिट्टी को काट के निकाला जा रहा है, फिर उसके बाद से लोग गाँव को छोड़ रहे हैं, तो इसमें काव्या भी अपना गांव छोड़ दी थी। इन काव्याज विलेज, काव्या के गांव में फॉरेस्ट वर क्लियर टू मेक रोड्स एंड बिल्डिंग्स, फॉरेस्ट जो है जंगल साफ कर दिए गए थे रोड्स और बिल्डिंग्स बनाने के लिए। मेन इन ट्रक्स टुक अवे सैंड फ्रॉम द रिवर, लोग आदमी जो है जो ट्रक में आते थे और उस नदियों के किनारे से सैंड्स को उठा ले जाते थे। देयर वॉज लेस एंड लेस रेन, वहाँ पर बहुत बहुत कम पानी बारिश होती थी। द रिवर वेंट ड्राई, नदियाँ सूखती चली गई। द बटरफ्लाई डिडेंट हैव इनफ वाटर टू मट पडल, और जो बटरफ्लाइज थे उनके पास अब ज़्यादा पानी नहीं रह गया था मट पडल करने के लिए। काव्याज फैमिली डिडेंट हैव इनफ वाटर टू ग्रो फूड ऑन देयर लैंड, काव्या की फैमिली को बहुत ज़्यादा कम बहुत बहुत कम पानी बच गया था, अब मतलब पानी बचा ही नहीं था इतना कि वो उस लैंड पे क्या कर सके, फूड को ग्रो कर सके, मतलब क्रॉप्स उगा सके। दैट्स वाई दे मूव टू द सिटी, इस वजह से वे सिटी की तरफ मूव कर गए। यू नो अ लॉट अबाउट बटरफ्लाइज, तुम बटरफ्लाइज के बारे में बहुत कुछ जानती हो काव्या, सेड मिस सैयद ने कहा कि काव्या तुम बटरफ्लाइज के बारे में बहुत कुछ जानती हो। दैट्स बिकॉज दे आर माई फेवरेट इंसेक्ट, इस वजह से वो मेरे फेवरेट इंसेक्ट्स हैं, सेड काव्या, काव्या ने कहा। वाई डू यू लव बटरफ्लाई सो मच काव्या, मैरिक ने पूछा, तुम बटरफ्लाइज को इतना ज़्यादा क्यों पसंद करती हो काव्या। हाउ कुड काव्या एक्सप्लेन, काव्या उसे कैसे एक्सप्लेन कर सकती थी। सी लव्ड हाउ बटरफ्लाइज बॉडीज वर समटाइम्स स्पॉटेड एंड समटाइम्स स्ट्रिप, उसे पसंद आता था कि कैसे बटरफ्लाइज की जो बॉडीज़ हैं वो किस कहीं कहीं पे धब्बे से हैं, स्पॉटेड हैं, कहीं कहीं पे स्ट्रिप्ड है, उस पर लाइनें खींची हुई हैं। हाउ दे ड्रैंक नेक्टर, कैसे वो नेक्टर को चूसते हैं, मतलब नेक्टर मतलब जो फ्लावर्स के अंदर जो जूसेस होते हैं ना उसको। विद देयर लॉन्ग नोजेस, अपने लंबे नाकों से। हाउ दे स्प्रेड पोलन, कैसे वो मतलब उनके उनके बॉडी पे देखिएगा, कभी जहाँ बैठते हैं टच करिएगा तो येलो कलर के पाउडर जैसा चिपकता होता है, हाथ में आपके चिपकेगा, तो वही कह रहा है। हाउ दे स्प्रेड पोलन, कैसे वो अपने पोलन को फैलाते हैं। विच मेड फ्रेड फ्रूट ग्रो, जै कि जो क्या करता है फ्रूट को पेड़ों पर जो फ्रूट लगे तो उनको बढ़ने में मदद करता है। दे फ्लाई फार, वे बहुत दूर तक उड़ते हैं। बट वेयर एवर दे लैंड, लेकिन जहाँ कहीं भी वे रुकते हैं, दे मेक अ न्यू फ्रेंड्स, वो एक नया फ्रेंड बना लेते हैं, सेट काव्या, काव्या ने कहा। स्क्वीजिंग मैरीज हैंड्स, मैरीज के हैंड को अपने हाथों में लेकर के स्क्वीज करते हुए, मतलब ऐसे तो हाथ पे रख करके उसको बताते हुए कि इशारा करते हुए कि वो भी फ्रेंड बनना चाहती है उसकी। दे आर वेरी स्मॉल, वे बहुत छोटे होते हैं, बट दे आर आल्सो वेरी ब्रेव, लेकिन वे बहुत बहादुर भी होते हैं, जस्ट लाइक यू, तुम्हारी तरह, मिस सैयद ने कहा। एंड काव्या ने स्माइल किया, हर स्माइल एज वाइड एज बटरफ्लाई विंग्स, उसकी स्माइल ऐसी वाइड थी मतलब जैसे बटरफ्लाई के विंग्स, मतलब इतने लंबी स्माइल की जैसे बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं। ओके, सो विद दिस वेंट टुडे इन दिस चैप्टर आल्सो,
Now there is a fill in the blanks given to you. It's your homework. You have to do on your own. Okay, just read that chapter throughout. Just go through the chapter and find out the answer of these questions. Fill in the blanks. Okay. So with this, we end today's session. Thank you. Bye bye. Take care.